भाई भारत का एक ऐसा शहर है जहां पर पूरे साल लाखों नहीं करोड़ों टूरिस्ट घूमने आते हैं। इसी शहर में आपको भारत की एकमात्र पिंक सिटी, ब्लू सिटी, व्हाइट सिटी, गोल्डन सिटी और रेड सिटी मिलेगी। जी हां, इस शहर का नाम है राजस्थान। राजस्थान भारत के उन शहरों में से एक है जहां पर आपको भारत की असली हिस्ट्री और संस्कृति के बारे में पता चलेगा। राजस्थान एक बहुत ही बड़ा शहर है और यहां पर बहुत सारे टूरिस्टिक स्पॉट है जो कि आप शायद एक सीजन में घूम ही नहीं सकते। राजस्थान की कैपिटल है यहां की जयपुर सिटी, जिसे पिंक सिटी भी बोला जाता है, और इसी तरीके से राजस्थान सिटी ऑफ लेक्स है उदयपुर। इसी के साथ साथ द डेजर्ट सिटी बोलते हैं जैसलमेर को, और ऐसी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो कि राजस्थान में बहुत ज्यादा फेमस है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल एंड वेलकम टू अनुज बुकेट। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया की टॉप प्लेसेस टू विजिट के बारे में। जी हाँ, राजस्थान इतने बड़े शहर में कौन कौन सी जगहें हैं जो आप घूम सकते हैं, चाहे वो कैपिटल सिटी के आसपास हो या फिर किसी और सिटी के आसपास, या फिर कोई इंडिपेंडेंट जगह हो जो पूरे राजस्थान में जगह जगह बिखरी हुई है। ये सारी जगहें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और आपको बताएंगे कि इन जगहों पे जाने का रास्ता क्या है, टिकट क्या है, क्या स्पेशलिटी है इनके बारे में और इसके पीछे छुपी हुई सारी कहानी। तो हमारी वीडियो एंड तक देखना, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन जिसके बाद आप दबा सकते हैं बेल आइकन। तो आज इस वीडियो में हम आपको राजस्थान इन 6 पार्ट्स में बताएंगे, जिसमें हम बात करेंगे जयपुर, अजमेर एंड पुष्कर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर के बारे में, और तो और इन सारी जगहों के अलावा और जो फेमस प्लेसेस हैं उनके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जयपुर और उसके टूरिस्ट प्लेसेस की। नंबर 1, सिटी पैलेस। सिटी पैलेस का निर्माण कराया गया था 1727 में, और इसका निर्माण कराया था राजा सवाई जयसिंह टू ने। ये पैलेस इतना बड़ा है कि भैया इसको घूमने में आपको तकरीबन 1 घंटा लग सकता है, 45 मिनट से 1 घंटा लगेगा। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है सिटी पैलेस। अब चाहे बात हो इस पैलेस के अंदर के गार्डन की, यहाँ के लॉन्जेस की, कोर्टयार्ड की या वेपनरी म्यूजियम की, यहाँ की हर एक जगह घूमने योग्य है। यह पैलेस बनवाया था सवाई राजा जयसिंह टू ने, जो कि आमेर से जयपुर शिफ्ट हुए थे। इस पूरे महल को घूमने में आपको लग सकता है 1 से 1.5 घंटा, और अगर आप यहाँ घूमने के लिए टूरिस्ट गाइड ले लेंगे तो वो आपको इस पूरे महल की एक एक विशेषताओं के बारे में विस्तार में बताएगा। तो अगर जयपुर आए हैं तो सिटी पैलेस घूमना इज अ मस्ट। इस पैलेस की टिकट्स है तकरीबन 300 रुपए की, जो कि आपको इस पैलेस की एंट्री में मिल जाएंगी। इस पैलेस की टाइमिंग है 9:30 बजे से 5 बजे तक की। नंबर 2, आमेर फोर्ट। जयपुर का आमेर फोर्ट मशहूर है अपनी भूल भुलैयाओं के लिए, यहाँ की वास्तुकला और यहाँ के बहुमूल्य इतिहास के लिए। आमेर फोर्ट बनवाया गया था अकबर के सबसे भरोसेमंद जनरल महाराजा मानसिंह द्वारा 1592 में। जयपुर का आमेर फोर्ट ही वो जगह है जहाँ पर आप कर सकते हैं एलिफेंट राइड, जो कि होती है सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक। आमेर फोर्ट की एंट्री टिकट तकरीबन 50 रुपए है और यह खुला होता है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। नंबर 3, नाहरगढ़ फोर्ट, जो कि अरावली माउंटेन रेंजेस में स्थित है। नाहरगढ़ फोर्ट पहले जाना जाता था सुदर्शनगढ़ फोर्ट के नाम से। यह बनवाया गया था 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह टू द्वारा। यह माना जाता है कि इस फोर्ट का नाम प्रिंस नहार सिंह भूमाई के नाम पे रखा गया है। नाहरगढ़ फोर्ट की एंट्री है 20 रुपए और बच्चों के लिए यहाँ की एंट्री है 5 रुपए की, और नाहरगढ़ फोर्ट की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक। नंबर 4, हवा महल। हवा महल 1799 में बनाया गया था, और इस हवा महल में तकरीबन 953 खिड़कियां हैं जो कि एक मधुमक्खी के छत्ते के आकार में बनी हुई हैं, जिसमें आप इस्लामिक, मुगल और राजपूताना आर्किटेक्चर का स्टाइल देख सकते हैं। इस महल की एक और खास बात है कि इस महल में हर फ्लोर पे एक मंदिर बना हुआ है, जिसपे पहले माले पे है शारदा मंदिर, रतन मंदिर, दूसरे पर है विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। हवा महल की एंट्री टिकट है 50 रुपए की और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर को 4:30 बजे तक। नंबर 5, जल महल। जल महल जयपुर के मानसागर लेक पे स्थित है। भाई ये जगह जल महल आप रोड से चलते हुए कभी भी देख सकते हैं, यहाँ पे उतर के भी देख सकते हैं। जयपुर का जल महल सैंडस्टोन से बना हुआ मुगल और राजपूत आर्किटेक्चर का एक और एग्जाम्पल है। जल महल की सबसे खास बात यह है कि इस महल में 4 मंजिलें बनी हुई हैं, जिसमें से हम केवल इसका टॉप फ्लोर देख पाते हैं जिसपे छतरी बनी हुई है, और इस महल की बाकी की 3 मंजिलें पानी के अंदर हैं। जल महल देखने का सबसे बेस्ट टाइम होगा इवनिंग के समय, जब यहाँ पे यहाँ के ऑब्जर्वेशन डेक में एक मेला सा लगा होता है, जो कि बच्चों और फैमिली के हर मेंबर के लिए एक बहुत ही जबरदस्त जगह है घूमने के लिए। इस जगह को देखने की कोई फीस नहीं है, और हाँ, आप इस लेक में ना तो बोटिंग कर सकते, ना ही आप महल के अंदर जा सकते। नंबर 6, जंतर मंतर। पूरा जंतर मंतर 18,700 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला हुआ है। जंतर मंतर का निर्माण करा गया था टाइम को नोट करने के लिए। ऐसे जंतर मंतर पूरी इंडिया में 5 हैं और उनमें से सबसे जबरदस्त, सबसे बढ़िया जंतर मंतर है ये जयपुर वाला। जंतर मंतर का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट
यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। जंतर मंतर को बनाने का मकसद था कि इससे समय, सितारों और सौर मंडल की सारी जानकारी ली जाए, और ये जंतर मंतर बनवाया था सवाई राजा जयसिंह टू ने। जंतर मंतर के अंदर 19 ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं जो कि ब्रास और स्टोन से बने हैं, यानी तांबा और पत्थर से। जंतर मंतर की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और यहां की टिकट है 50 रुपए इंडियंस के लिए, और बच्चों के लिए यहां की टिकट है 15 रुपए की। नंबर 7, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। जयपुर का अल्बर्ट हॉल म्यूजियम सेंट्रल म्यूजियम के नाम से भी मशहूर है, और इंडिया के 6 इजिप्शियन ममीज में से एक ममी इसी म्यूजियम में रखा हुआ है। इस म्यूजियम में आपको रखे हुए दिख जाएंगे यहाँ के बहुत ही स्पेशल हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ के पेंटिंग, यहाँ की रॉयल फैमिली के आर्टिफैक्ट्स एंड ऑल। भारत में रखे हुए 6 इजिप्शियन ममी में से एक ममी रखा है जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जो कि गवर्नमेंट सेंट्रल म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है, जयपुर के राजा की पोर्ट्रेट्स, वहाँ के आर्टिफैक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स और पेंटिंग्स, और जयपुर की रॉयल फैमिलीज के सारे सामान आपको अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में रखे हुए मिलेंगे। तो अगर आप एक हिस्ट्री लवर है तो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जरूर जाएं। इस म्यूजियम की एंट्री फीस है 20 रुपए, और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक। नंबर 8, राज मंदिर सिनेमा। अगर आप मेरे से पूछो तो इंडिया का सबसे बेस्ट सिनेमा मुझे ये लगता है भाई। इतना सुंदर, इतना जबरदस्त, बेबी पिंक कलर में एक पेस्ट्री की तरह बना हुआ है पूरा सिनेमा। पिंक कलर की क्रीम में सजा एक केक की तरह लगता है जयपुर का राज मंदिर सिनेमा। जी हाँ, जब इंडिया में PVR और सिनेपोलिस जैसे मल्टीप्लेक्स नहीं थे, तब पूरी इंडिया में एक ही सिनेमा था जो कि आपको इलाइट मूवी एक्सपीरियंस देता था, और वो था जयपुर का राज मंदिर सिनेमा। राज मंदिर सिनेमा बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत सुंदर है। यहाँ पे दिन के 4 शो दिखाए जाते हैं, जो कि दिखाए जाते हैं दोपहर 12 बजे, 3 बजे, शाम को 6 बजे और रात को 9 बजे। वैसे तो आप इस सिनेमा के अंदर सिर्फ तभी जा सकते हैं अगर आपने किसी मूवी की टिकट परचेज कर रखी हो। इस सिनेमा में टिकट्स का प्राइस होता है 150 से लेकर 400 रुपए तक, डिपेंडिंग अपॉन की कौन सी मूवी लगी है। अब बात करते हैं अजमेर और पुष्कर के टूरिस्ट प्लेसेस की। नंबर 9, हजरत ख्वाजा नवाज दरगाह। ये दरगाह बनवाई गई थी ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती के द्वारा, जो कि पैदा हुए थे 1141 में ईरान में। वो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे, और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने अजमेर में ये दरगाह बनवाई। भारत के मुस्लिम समुदाय की, राजस्थान की, बल्कि पूरे भारत की सबसे पूजनीय जगह है अजमेर का अजमेर शरीफ दरगाह। अजमेर शरीफ दरगाह राजस्थान में मुगल आर्किटेक्चर का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना है। अजमेर शरीफ दरगाह में घुसते ही आपको दिखेंगे यहाँ के 2 सबसे बड़े चांदी से बने दरवाजे, और यहाँ के कोर्टयार्ड में घुसते ही आपको दर्शन हो सकते हैं ख्वाजा साहिब के। यह जगह मार्बल से बनाई गई है, और इस दरगाह के टॉप की प्लेटिंग हुई है सोने से। अजमेर शरीफ दरगाह की टाइमिंग है सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक, और दोपहर 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, और यहाँ आने की कोई फीस नहीं है। नंबर 10, अन्न सागर लेक। अन्न सागर के लेक के बीचों बीच आपको एक आइलैंड दिखेगा जिसमें आप थ्रू बोट जा सकते हैं। इस आइलैंड में जाने के लिए एक फेरी आप करेंगे जिसमें 60 रुपए की टिकट देके आप बीच वाले आइलैंड में जाके उस जगह को भी देख सकते हैं। सन 1135 से लेकर सन 1150 के बीच में पृथ्वीराज चौहान जी के दादा अर्नो राजा ने बनवाया था अजमेर का अन्न सागर लेक। अन्न सागर लेक जो कि अजमेर और राजस्थान की सबसे बड़ी पॉपुलर अट्रैक्शनों में से एक है। ये वो परफेक्ट जगह है जहां से आप देख सकते हैं यहां का खूबसूरत सनसेट। अन्न सागर लेक के बीचों बीच आपको एक आइलैंड भी मिलेगा जहां आप बोट के थ्रू जा सकते हैं। अन्न सागर लेक में बोटिंग की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, और यहां पे आपको बोटिंग की फीस देनी पड़ सकती है तकरीबन 150 से 160 रुपए पर पर्सन की। नंबर 11, नरेली जैन टेम्पल। अरावली के पर्वत की श्रृंखला में ये जैन टेम्पल स्थित है। इसी मंदिर के पीछे जो पहाड़ी है उसकी चोटी पे भी आपको बहुत छोटे छोटे टेम्पल दिखेंगे। इस जगह पे आपको 24 जिनालियास और 24 तीर्थांकर मिलेंगे जो कि जैनी धर्म के होते हैं। 1994 में मार्बल से बनवाया गया अजमेर की शान है नारेली जैन टेम्पल। अजमेर का नारेली जैन टेम्पल डेडिकेटेड है दिगंबर जैन के लिए। यह मंदिर अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यहाँ पर आप कर सकते हैं यहाँ के कॉम्प्लेक्स में एक खूबसूरत नेचर वॉक। प्रकृति और शांति का एक संपूर्ण आभास आपको इस मंदिर में मिलेगा। नारेली जैन टेम्पल खुला होता है सुबह 6:30 बजे से शाम को 7 बजे तक, और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 12, अजमेर फोर्ट। अजमेर फोर्ट जो कि अजमेर पैलेस के नाम से भी मशहूर है, यह जगह अजमेर के नए बाजार के पास स्थित है। अजमेर फोर्ट बनवाया गया था 1570 में, जो कि अकबर के बेटे प्रिंस सलीम का घर माना जाता था, और बाद में ये जगह जहांगीर और सर थॉमस की मीटिंग पॉइंट बना, जहां पर आपको 6वीं और 7वीं सदी की हिंदू आइडल्स के बहुत बड़ी कलेक्शन देखने को मिलेगी। इस म्यूजियम में आपको मिक्स स्टाइल ऑफ राजपूत और मुगल्स के डिजाइन मिलेंगे, और यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है माँ काली की एक बहुत ही भव्य काली मूर्ति। इसी के साथ साथ इस म्यूजियम में आपको पुराने जमाने के हथियार और एंटीक्स भी रखे मिलेंगे। अजमेर फोर्ट म्यूजियम की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और यहाँ की एंट्री फीस है लगभग 10 रुपए की। नंबर 13, ब्रह्मा टेम्पल। ब्रह्मा जी भगवान जी का पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मंदिर है, वो है ये ब्रह्मा जी का ये मंदिर। यहाँ
की मान्यता है कि यहाँ पर ब्रह्मा जी का ये मंदिर ऐसे बना था कि ब्रह्मा जी को यहाँ पर एक बार यज्ञ करना था और उनकी वाइफ जो उनकी धर्मपत्नी है सावित्री जी वो अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए ब्रह्मा जी ने एक नई शादी करके उसी टाइम उनके साथ यहाँ पे पूजा यज्ञ में बैठ गए थे। तो सावित्री जी ने उन्हें श्राप दिया कि आपका पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मंदिर होगा, वो होगा पुष्कर में, और दूसरा कोई भी मंदिर नहीं होगा। जी हाँ, पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर, जहाँ हर साल लाखों की तादाद में भक्त जन आते हैं और ब्रह्मा जी के दर्शन करके जाते हैं। यह मंदिर बनवाया गया है मार्बल और स्टोन से, और इस मंदिर की लाल नकाशी आपका मन जरूर मोह लेगी। ब्रह्मा जी के इस मंदिर की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 14, पुष्कर लेक। ये जगह भक्ति और सीनिक व्यू का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। कहा जाता है कि अगर पुष्कर के ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन अगर आपको करने हैं तो पहले पुष्कर लेक से आकर आपको छींटे लगाने हैं, उसके बाद ही ब्रह्मा जी के दर्शन करने जाएं। भाई ऐसा माना जाता है कि पुष्कर लेक बनाया गया था ब्रह्मा जी जिस कमल पे बैठते हैं उसके पानी से। ऐसा माना जाता है कि पुष्कर लेक में एक डुबकी लगाने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं और सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये वो जगह है जो कि घिरा है 300 मंदिर और 52 घाटों से। पुष्कर लेक को तीर्थ राज के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है तीर्थों का राजा। ऐसा माना जाता है कि पुष्कर लेक तब बना था जब ब्रह्मा जी ने असुर वज्र नभ का वध किया था। पुष्कर लेक आप पूरे दिन कभी भी आ सकते हैं और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 15, सावित्री माता टेम्पल। रत्नागिरी पहाड़ों की चोटी पे एक मंदिर बसा है सावित्री माता जी का, जो कि ब्रह्मा जी की बीवी है। पुष्कर आने के बाद सावित्री माता मंदिर के दर्शन करने अनिवार्य हैं और आप भी ये जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी की पहली पत्नी का नाम था सावित्री माता, और जब ब्रह्मा जी ने दूसरी शादी गायत्री जी से करी तब सावित्री माता जी ने ब्रह्मा जी से गुस्सा होकर उन्हें श्राप दिया कि पूरी दुनिया में उनका सिर्फ एक ही मंदिर होगा, जो कि है पुष्कर में। और तभी ब्रह्मा जी पे नजर रखने के लिए पुष्कर के पास वाली पहाड़ी रत्नागिरी पे जाके सावित्री माता बैठ गई, और तभी से सावित्री माता जी का पुष्कर की रत्नागिरी पहाड़ी पे यह मंदिर स्थित है, जिसका नाम है सावित्री माता मंदिर। इस मंदिर में जाने के लिए आपको तकरीबन 1 घंटे की चढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके आप सावित्री माता जी के दर्शन कर सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं यहाँ की रोप पे, जिससे आप डायरेक्टली उस मंदिर में पहुँच सकते हैं। सावित्री माता जी के इस मंदिर से पुष्कर का पूरा 360 डिग्री व्यू आपको देखने को मिलेगा। सावित्री माता मंदिर की टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक, और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 16, पुष्कर फेयर। जी हाँ, पुष्कर में हर साल एक कैमल फेयर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है नवंबर अक्टूबर के मंथ में। 5 डेज का ये कैमल फेयर फेस्टिवल होता है। अगर आपको राजस्थान का कभी कोई मेला देखना है ना, तो जिंदगी में एक बार ये कैमल फेयर फेस्टिवल जो पुष्कर में लगता है जरूर देखेगा। पुष्कर में हर साल अक्टूबर और नवंबर के बीच में लगता है पुष्कर कैमल फेस्टिवल। जी हाँ, पुष्कर का ये कैमल फेस्टिवल पूरे भारत वर्ष में और भारत के बाहर भी बहुत ज्यादा मशहूर है, और ये पुष्कर का मेला लगता है पुष्कर फेयर ग्राउंड में। इस फेयर में आप तरह तरह के कैमल्स, लाइव स्टॉक, कैटल फेयर्स, मूछों की प्रतियोगिता, मिट्टी के बर्तन और ब्राइडल एसेसरीज खरीद सकते हैं। साथ ही साथ इसी मेले में हर साल यहाँ के लोकल्स के बीच और फॉरेनर्स के बीच एक फुटबॉल मैच भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये मेला लगता है अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में, और इस मेले की एंट्री होती है बिल्कुल फ्री। तो अगर आप पुष्कर आ रहे हैं तो ये मेला भी जरूर देखें। अब बात करते हैं उदयपुर और उसके टूरिस्ट प्लेसेस की। नंबर 17, उदयपुर सिटी पैलेस। अरावली हिल्स के बिल्कुल बीचों बीच बसा है सिटी पैलेस, और ये उदयपुर की सबसे बड़ी शान है। इस जगह को घूमने में आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। पिछोला लेक के पूर्वी तट पर स्थित उदयपुर में सिटी पैलेस लगभग 400 साल पहले बनवाया गया था। इस महल का निर्माण उस समय किया गया था जब 1559 में महाराणा उदय सिंह और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा उदयपुर शहर की स्थापना की गई थी। यह सिटी पैलेस एक मास्टरपीस है ब्रिलियंट आर्किटेक्चर का। इस महल के कॉम्प्लेक्स में कई प्रवेश द्वार, महल, हॉल और अंदर एक संग्रहालय है, और यह महल और इस महल का निर्माण पूरी तरह से संगमरमर और ग्रेनाइट से किया गया था। सिटी पैलेस की टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक, और यहाँ की एंट्री फीस है अडल्ट्स के लिए 300 रुपए और चिल्ड्रंस के लिए 100 रुपए। नंबर 18, जग मंदिर। इस जगह का नाम है जग मंदिर। जी हाँ, लेक पिचोला जो कि उदयपुर का सबसे बढ़िया लेक है, उसके बीचों बीच आपको एक छोटा सा आइलैंड दिखेगा जिसको बोलते हैं जग मंदिर। यहाँ आने का तरीका सिर्फ एक ही है, आप बाय बोट ही इस जगह पर आ सकते हैं। जग मंदिर की सबसे खास बात यह है कि ये लेक पिचोला के बीचों बीच बसा एक बहुत ही सुंदर गार्डन है, और इस गार्डन को घूमने में आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। यह महल 3 मंजिला ऊंचा है और इसको संगमरमर और पीले बलुआ पत्थर के इस्तेमाल से बनवाया गया है। इस महल को 17वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में ही महाराणा जगत सिंह जी ने पूरा किया था। और अगर आप इस महल में घूम रहे हैं तो यहाँ पर देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है वो है गुल महल, जहाँ शाहजहाँ अपने परिवार के साथ रहते थे। इस महल में अभी करंट सिचुएशन में एक रेस्टोरेंट भी है जिसका नाम है दारी खाना। इस महल की टाइमिंग
ओपनिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक और यहाँ की एंट्री फीस है अडल्ट्स के लिए 325 रुपीस और बच्चों के लिए 150 रुपीस। नंबर 19 सहेलियों की बाड़ी। भाई उदयपुर के फतेह सागर लेक के बैंक्स में बसा सहेलियों की बाड़ी उदयपुर की एक ऐसी जगह है जहाँ पर आर्टिफिशियल मैनमेड बारिश पूरे साल हो सकती है। कहते हैं प्रिंसेस को बारिश इतनी पसंद थी कि उनके पिताजी ने ये सहेलियों की बाड़ी बनवाई। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है ये उन प्रिंसेस के लिए बनवाया गया था जो महाराणा संग्राम सिंह से शादी के बाद राजकुमारी के साथ आई थी। ये मनमोहक सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में फतेह सागर झील के तट पर स्थित है। इसमें आपको सुंदर हरे भरे लॉन, कैनोपाइड वॉकिंग लेन्स, मैजेस्टिक फाउंटेन्स देखने को मिलेंगे। इसके मैजेस्टिक फव्वारे और संगमरमर के मंडप और मूर्तियों के साथ भव्य कमल फूल के बगीचे इसकी सुंदरता को दो गुना बढ़ा देते हैं। इस सहेलियों की बाड़ी में जाने की टाइमिंग्स है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक और यहाँ की एंट्री फीस है इंडियंस के लिए 10 रुपए और फॉरेनर्स के लिए 50 रुपए। नंबर 20 फतेह सागर लेक। जी हाँ, फतेह सागर लेक पे आप बोटिंग करते हुए या फिर मोटर बोट हायर करके पूरा फतेह सागर लेक घूम सकते हैं और देख सकते हैं ये गार्डन और ये ऑब्जर्वेटरी। फतेह सागर लेक लेक पिचोला के नॉर्थ में पड़ता है और उदयपुर का एक बहुत ही सुंदर पार्ट इस लेक ने ऑक्यूपाई कर रखा है। उदयपुर सिटी के रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर और उदयपुर सिटी पैलेस से 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है ये फतेह सागर लेक। महाराणा फतेह सिंह के नाम पर फतेह सागर झील का निर्माण सबसे पहले 1678 में महाराणा जय सिंह ने करवाया था। महाराणा फतेह सिंह ने 1888 सेंचुरी में रानी विक्टोरिया के बेटे ड्यूक ऑफ कनॉट की यात्रा को मार्क करने के लिए झील पर कनॉट बांध का निर्माण करवाया और इस बांध ने इस झील का विस्तार किया और बाद में इसका नाम बदलकर फतेह सागर झील कर दिया गया था। इस फतेह सागर झील की लंबाई 2.4 किलोमीटर और चौड़ाई 1.6 किलोमीटर और गहराई 11.5 मीटर है और मॉनसून के दौरान यह लेक लगभग 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिए को कवर करती है। इस झील की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक और यहाँ आने की कोई एंट्री फीस नहीं है। नंबर 21 सज्जनगढ़ पैलेस। सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस उदयपुर के आउटस्कर्ट्स में बसा शायद उदयपुर का सबसे ऊंचा फोर्ट है। ये 9 मंजिला फोर्ट बनवाया गया था एक ऑब्जर्वेटरी के पर्पस से और इसी काम के लिए इस फोर्ट की लोकेशन चूज की गई थी जो कि स्ट्रेटेजिकली एक बहुत ही जबरदस्त लोकेशन थी। सज्जनगढ़ पैलेस जो कि पड़ता है उदयपुर के आउटस्कर्ट्स में, इस महल का नाम भी महाराणा सज्जन सिंह के नाम पर ही रखा गया है जिन्होंने इसके निर्माण का आदेश दिया था और इसे 1884 में बनवाया था। इस पैलेस को बनाने का उद्देश्य एक 9 स्टोरी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाने का था जिसके थ्रू वे लोग नोट और एनालाइज कर सकते थे मॉनसून के बादलों का आना और उनके पैटर्न्स को और इसी कारण की वजह से ही इसका नाम मॉनसून पैलेस पड़ गया था। इस महल के चारों ओर गुंबद, फव्वारे और झरोखे राजस्थानी वास्तुकला के उत्कर्ष चमत्कार हैं। सज्जनगढ़ पैलेस की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और यहाँ की एंट्री फीस है इंडियंस के लिए 110 रुपए और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपए। नंबर 22 लेक पिचोला। लेक पिचोला उदयपुर का सबसे ज्यादा मशहूर और सबसे ज्यादा पिक्चरिस्टिक लेक है। इसी लेक के पास उदयपुर का सबसे बड़ा महल उदयपुर का सिटी पैलेस भी है। अगर इस लेक की डायमेंशंस की बात करी जाए तो ये लेक 3 मील तक लंबा और 2 मील चौड़ा है। पिचोला लेक भारत के राजस्थान की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। इस खूबसूरत लेक का निर्माण महाराणा लाखा के शासनकाल के दौरान पिचू बंजारा ने 1362 में करवाया था और इस लेक के आकार की बात करें तो इसकी लंबाई 3 मील और चौड़ाई 2 मील और गहराई 30 फीट है। यह झील अपनी सीनिक सराउंडिंग के कारण भी और मनमोहक लगती है और यह लेक पूरे दिन खुली होती है और यहाँ आने की कोई एंट्री फीस नहीं है। नंबर 23 बैगोर की हवेली। भाई बैगोर की हवेली उदयपुर का एक बहुत ही शानदार म्यूजियम है जिसमें 100 से ऊपर रूम्स है जिसमें आपको कांच और शीशे की नकाशी देखने को मिलेगी और यहाँ पर एक डांस शो भी किया जाता है जो कि इवनिंग में होता है जिसकी टिकट आपको अलग से लेनी पड़ेगी। बैगोर की हवेली जो कि राजस्थान स्टेट में उदयपुर के गंगौर घाट मार्ग पर स्थित है। यह बैगोर की हवेली एक भव्य महल है जिसे पिछोला झील के तट पर 18th सेंचुरी में बनवाया गया था। इस महल में 100 से अधिक कमरे हैं जहां पर मिरर वर्क और ग्लास वर्क किया गया है। इस हवेली का निर्माण मेवाड़ साम्राज्य के प्रधानमंत्री अमरचंद बटुआ द्वारा किया गया था। यहां पे आपको रानी का कक्ष भी देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही फेमस है जिसमें मोर की दो बहुत ही भव्य कांच की मूर्तियां प्रदर्शित हैं। बैगोर की हवेली की टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक और फिर शाम को 6:30 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक और यहां की एंट्री फीस है अडल्ट्स के लिए 60 रुपीस और बच्चों के लिए 30 रुपीस। नंबर 24 शिल्पग्राम। उदयपुर के हवाला गांव में बसता है शिल्पग्राम जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है। अंदर आपको फोक म्यूजिक, फोक डांस, स्टोन आर्ट, वुड आर्ट, पॉटरी और मड आर्ट के बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे। ये जगह उदयपुर में आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। हर साल नवंबर दिसंबर में यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फेयर लगता है जहाँ पे दुनिया भर से लोग इंडिया की एक्चुअल आर्ट एंड क्राफ्ट देखने के लिए आते हैं। शिल्पग्राम एक रूरल आर्ट एंड क्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है जो कि हवाला विलेज के पास पड़ता है जिसको द क्राफ्ट विलेज और द आर्टिशियन विलेज के नाम से भी जाना जाता है और इस शिल्पग्राम को इनॉग्रेटेड किया था राजीव गांधी के द्वारा
1989 में और ये रूरल आर्ट एंड क्राफ्ट कॉम्प्लेक्स फैला हुआ है 70 एकड़ के एरिया में। और इस शिल्पग्राम की स्थापना करने का एक मुख्य उद्देश्य था कि युवा पीढ़ी के लिए ग्रामीण कला और शिल्प के बारे में ज्ञान और जागरूकता बढ़ाई जाए। और इस कॉम्प्लेक्स में आपको ओपन एयर एमपी थिएटर भी देखने को मिलेगा, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी लगभग 8,000 है, जो कि बड़े थिएटर फेस्टिवल को आयोजित करने के लिए यूज किया जाता है। और इन ट्रेडिशनल झोपड़ियों में रोजमर्रा के उपयोग की घरेलू वस्तुएं जैसे टेराकोटा, कपड़ा, लकड़ी और धातु की वस्तुएं और सजावटी वस्तुएं प्रदर्शित किए जाते हैं। शिल्पग्राम की टाइमिंग्स है सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक और यहाँ की एंट्री फीस है इंडियंस के लिए 30 रुपए और फॉरेनर्स के लिए 50 रुपए। अब बात करते हैं जोधपुर और उसके टूरिस्ट प्लेसेस की। नंबर 25, उम्मेद भवन पैलेस। उम्मेद भवन पैलेस को आप भारत का सबसे यंग पैलेस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बनके कंप्लीट हुआ था हमारी इंडिपेंडेंस 1947 से बस कुछ ही साल पहले। उम्मेद भवन पैलेस में एक्चुअली में 347 रूम्स हैं। जोधपुर का उम्मेद भवन आजादी से पहले बनवाया गया भारत का आखिरी महल है, जो कि 1947 से पहले बनवाया गया था। उम्मेद भवन के इस म्यूजियम में आपको मिलेंगे रॉयल खानदान के 8 पीसेस, वॉचेस, यहाँ की मिनिएचर पेंटिंग, रेयर आर्टिफैक्ट्स और 1877 में क्यून विक्टोरिया द्वारा महाराजा जसवंत सिंह जी को गिफ्ट दिया गया फ्लैग। उम्मेद भवन की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और यहाँ के म्यूजियम के एंट्री टिकट है 30 रुपए इंडियंस के लिए और 100 रुपए फॉरेनर्स के लिए। उम्मेद भवन की बाकी इन्फॉर्मेशन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप पॉज करके ये इन्फो देख सकते हैं। नंबर 26, मेहरानगढ़ म्यूजियम एंड ट्रस्ट। राठौड़ वंश का ये गढ़ माना जाता है और इस फोर्ट को बनने में 35 राजाओं का कॉन्ट्रीब्यूशन है। जोधपुर से 410 फीट की ऊंचाई के हिल टॉप पे बसा जोधपुर के कोने कोने से दिखने वाला फोर्ट है मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ फोर्ट बनवाया था राव जोधा जी ने 1460 में। मेहरानगढ़ का मतलब है द फोर्ट ऑफ द सन, जहां पर आपको मिलेंगे पुराने जमाने के राजाओं के रॉयल आर्टिफैक्ट्स, उनके हथियार, उनका शीश महल, उनका रॉयल गार्डन, मेहरानगढ़ फोर्ट के अलग अलग दरवाजे और मेहरानगढ़ फोर्ट से दिखता हुआ जोधपुर का एक पैनानोरमिक व्यू। यहाँ पे आने की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और यहाँ पे आने की एंट्री टिकट है इंडियंस के लिए 100 रुपए और इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए 600 रुपए। यहाँ पे आपको फोटोग्राफी के लिए 100 रुपए और वीडियोग्राफी के लिए 200 रुपए भी देने पड़ेंगे। नंबर 27, जसवंत थाड़ा। जोधपुर का ताजमहल कहलाए जाने वाला ये मार्बल स्ट्रक्चर बनवाया गया था 1899 में और इस जगह को घूमने में आपको ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा। जसवंत थाड़े में आने का सबसे बेस्ट टाइम होगा सनसेट के समय, क्योंकि इसी जगह से आपको जोधपुर का फैंटास्टिक सनसेट दिखेगा। जसवंत थाड़ा, जिसे जोधपुर का ताजमहल भी कहा जाता है। जोधपुर का जसवंत थाड़ा बनवाया गया था महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के ऑनर में, जो कि बनवाया था महाराजा सरदार सिंह जी ने। ताजमहल की तरह ये जगह भी एक सिंबल ऑफ लव है, बस ये प्यार है एक बेटे का अपने पिता के लिए। जसवंत थाड़े के एरिया में आपको एक बहुत ही बेहतरीन गार्डन और एक छोटा सा लेक भी मिलेगा। जसवंत थाड़े की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और यहाँ पे आने की टिकट है 30 रुपए इंडियंस के लिए और 50 रुपए इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए। नंबर 28, राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क। राव जोधा रॉक गार्डन, जी हाँ, जयपुर का राव जोधा रॉक गार्डन में आप तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की ट्रैकिंग कर सकते हैं। आपको एक नक्शा दिया जाएगा जिससे आपको बताया जाएगा कि आप कहां से कहां तक जा सकते हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है और आपको वाइल्ड जंगल में जोधपुर के छोड़ दिया जाएगा। जी हाँ, जोधपुर में एक जंगल ट्रैकिंग करने का डेजर्ट रॉक पार्क भी है जिसका नाम राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क और ये पार्क सिचुएटेड है मेहरानगढ़ फोर्ट के नीचे। राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क एक आर्टिफिशियल पार्क है जो कि बनवाया गया था 2006 में। ये पार्क तकरीबन 200 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए अलग अलग पाथ दिए गए हैं, जिसमें इस पार्क के मैप में आप जगह जगह एरो के साइन देखेंगे कि कौन सा ट्रैक आपको लेना है, उसका रास्ता किस तरफ जाता है। इस पार्क की टाइमिंग है अप्रैल से सितंबर में सुबह 7 बजे से शाम को 6:30 बजे तक और अक्टूबर से मार्च में सुबह 8 बजे से शाम को 5:30 बजे तक। राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क एंट्री टिकट है 100 रुपए और यहाँ पे एक गाइडेड वॉक आपको मिलेगी 200 रुपए में। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये जगह फ्री है। नंबर 29, कायलाना लेक। जोधपुर का सबसे फेमस लेक है कायलाना लेक, बर्ड वॉचिंग पैराडाइज इस जगह को बोलते हैं। कायलाना लेक में आने का सबसे बेस्ट टाइम होगा अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग में, क्योंकि यहाँ पर आप कर सकते हैं बहुत सारी एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। तो अगर आपको एक बहुत ही अच्छी इवनिंग या अर्ली मॉर्निंग स्पेंड करनी है तो आप जोधपुर के कायलाना लेक के आ सकते हैं। 1872 में प्रताप सिंह जी के द्वारा बनवाया गया लेक है कायलाना लेक। कायलाना लेक एक आर्टिफिशियल लेक है जो कि फैला है तकरीबन 84 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में। कायलाना लेक में आप अलग अलग एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे बोटिंग, जिप लाइन और जेट स्की। कायलाना लेक की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है।
हालांकि यहाँ पे एक्टिविटी करने के आपको पैसे देने पड़ेंगे। नंबर 30 टूर जी का झालरा। ये एक बावली है जो कि जोधपुर राजस्थान में बहुत ज्यादा फेमस है। 250 साल पुरानी ये बावली बनवाई गई थी महाराजा अभय सिंह जी की वाइफ के द्वारा, जिसमें एक समय पे राजस्थान का सबसे फेमस फेस्टिवल घंघोर ऑर्गेनाइज किया जाता था। समय की रेत में खो चुका तकरीबन 250 साल पुरानी बावली है जोधपुर का टूर जी का झालरा। टूर जी का झालरा बनवाया गया था महाराजा अभय सिंह जी की बीवी के द्वारा, जो कि बनवाया गया है रोज रेड स्टोन से। पहले ये जगह इस्तेमाल होती थी यहाँ के एरिया के लोगों के पानी की पूर्ति करने के लिए, जो कि तकरीबन 200 फीट तक गहरा है। टूर जी के झालरा आप पूरे दिन कभी भी आ सकते हैं, ये हर समय खुला होता है और ये देखना बिल्कुल फ्री है। नंबर 31 घंटाघर। जी हाँ, ये वही क्लॉक टावर है जहाँ से शुरू होता है ओल्ड जोधपुर। साल के कुछ समय इस क्लॉक टावर का टॉप फ्लोर भी खुला होता है। एज अ टूरिस्ट आप इस क्लॉक टावर पे चढ़ के इसके टॉप फ्लोर पे जा सकते हैं, जहाँ से आपको पूरी सरदार मार्केट और जोधपुर का एक बहुत ही बढ़िया व्यू मिलेगा। जोधपुर का घंटाघर या फिर क्लॉक टावर जोधपुर की एक लैंडमार्क डेस्टिनेशन है और जिसे आप जोधपुर का सिटी सेंटर भी कह सकते हैं। जोधपुर की ओल्ड सिटी में बसा सरदार मार्केट के बीचों बीच जोधपुर का ये क्लॉक टावर स्थित है। ये टावर एक राउंड शेप टावर है जो कि बनवाया गया था महाराजा सरदार सिंह जी के द्वारा। रात के समय इस क्लॉक टावर में जो लाइटिंग की गई है वह इस क्लॉक टावर की खूबसूरती और भी बढ़ा देती है। जोधपुर के इस घंटाघर की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक और इसके अंदर जाना बिल्कुल फ्री है। अब बात करते हैं जैसलमेर और उसके टूरिस्ट प्लेसेस की। नंबर 32 जैसलमेर फोर्ट। सबसे बड़े फोर्ट्स में गिनती आती है जैसलमेर फोर्ट की। जैसलमेर किला राजस्थान के बाकी किलों से काफी अलग है। यहां आपको किले के अंदर मिलेंगे घर, म्यूजियम, शॉप्स, रेस्टोरेंट, रेजिडेंशियल एरिया और होटल्स भी। जैसलमेर फोर्ट बनवाया गया था 1156 में रावल जायसवाल जो कि फाउंडर है जैसलमेर सिटी के, उरी के राज में जैसलमेर फोर्ट बनना शुरू हुआ। जैसलमेर फोर्ट तकरीबन 250 फीट ऊंचा है जो कि 30 फुट ऊंची दीवारों से प्रोटेक्टेड है। इस फोर्ट में 99 गढ़ हैं। सोनी कहाँ पर आए हम? अरे भाई साहब सोनी कितना सुंदर है नहीं? यहाँ पर आपको इस्लामिक और राजपूत आर्किटेक्चर का फ्यूजन दिखेगा। नंबर 33 पटवो की हवेली। इस बिल्डिंग को बनाने वाला ओनर एक ही था, उनका नाम था गमान चंद बाबनाथ जैन। इसको बोलते हैं जरी और मोतियों का काम करने वाले को पटवा कहा जाता था। सामने तिजोरी देख रहे हैं, इसमें पैसे रहते। कभी कभी मनोरंजन करने के लिए हस्बैंड भाई अपना जुआ बाजी। पटवो की हवेली वो जगह है जहाँ 5 हवेलियाँ मिलके एक जगह बनाती हैं जिसका नाम है पटवो की हवेली। पटवो की हवेली को बनवाया गया था 1805 में गुमान चांद पटवा के द्वारा। माना जाता है कि इस हवेली के पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी छुपी है। पटवा जो कि एक बहुत ही अमीर आदमी था और जैसलमेर एरिया का एक बहुत ही नामी ट्रेडर था, उसके पास इतना पैसा था कि वह अपने लिए एक महल भी बनवा सके। इसीलिए उसने अपने 5 बेटों के लिए अलग अलग हवेली बनवाने का फैसला किया। यहां आपको बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर, यहां का कांच की कारीगरी, यहां की कार्विंग, पेंटिंग्स और रिच गोल्डन कलर में करी हुई आर्ट बहुत पसंद आएगी। नंबर 34 सैम सैंड ड्यून्स। इंडिया का राजस्थानी कल्चर, यहाँ के डेजर्ट के ऊंट और उन ऊंटों की सवारी। ये जैसलमेर के डेजर्ट कैंप की एक बहुत ही पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटी है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी। कैमल सफारी के साथ साथ आप यहाँ कर सकते हैं ड्यून बैशिंग, यहाँ की डेजर्ट पैराग्लाइडिंग, क्वाड बाइकिंग या फिर एटीवी बाइक राइड, जिपलाइन और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ की हॉट एयर बलून राइड। जैसलमेर के ये सारे डेजर्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स आप कर सकते हैं जब आप वहाँ कैंपिंग के लिए रुकेंगे। यहाँ पे हर स्पोर्ट का अलग प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, तो अगर आप जैसलमेर आए तो कैंपिंग के साथ ये सारे स्पोर्ट्स भी जरूर करें। सैम सैंड ड्यून्स की टाइमिंग है सुबह 12 बजे से लेकर शाम को 12 बजे तक और यहाँ की कोई एंट्री फीस नहीं है। नंबर 35 गड़ीसर लेक। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया जैसलमेर की टॉप प्लेसेस टू विजिट में गड़ीसर लेक का नाम जरूर आना चाहिए। गड़ीसर लेक एक मैनमेड लेक है जो कि बनवाया गया था 12वीं और 13वीं सदी के आसपास। अगर आपको एक पीसफुल जगह चाहिए जहां का आर्किटेक्चर जबरदस्त हो और जहां का कल्चर देखते ही बने, तो गड़ीसर लेक आप जरूर जाएं। गड़ीसर लेक जाने का सबसे सही समय होगा सनसेट के समय और उसी समय आप यहाँ तकरीबन 1 से 2 घंटे बिता सकते हैं और आपको समय का पता भी नहीं चलेगा। गड़ीसर लेक पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं यहाँ के लेक के आसपास एक रिलैक्सिंग वॉक। कितनी देर तक चलानी है? आधा घंटा।
अरे वाह, मतलब कोई भी ले लो बोट आधा घंटा फिक्स है टाइम। अच्छा, यहाँ पे साइड में किनारों पे मतलब छोटे छोटे पॉइंट बने हुए हैं, जैसे एक जगह में मंदिर दिख रहा है, एक रूफ टॉप रेस्टोरेंट सा दिख रहा है, तो वहाँ बैठ के आप अपना डिनर भी कर सकते हैं। गड़ीसार लेक की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, और यहाँ की बोटिंग फीस है 200 रुपीज। अब बात करते हैं बीकानेर और उसके टूरिस्ट प्लेसेस की। नंबर 36, जूनागढ़ फोर्ट। बीकानेर फोर्ट पहले चिंतामणि फोर्ट के नाम से जाना जाता था और इसका नाम 20वीं सदी में बदल के जूनागढ़ फोर्ट रख दिया गया। जूनागढ़ फोर्ट बनना शुरू हुआ था 1478 में, जिसे बनवाना शुरू किया था राव बीका ने, लेकिन जूनागढ़ फोर्ट पूरा हुआ है 16 पीढ़ियों की मेहनत के बाद। और जो जूनागढ़ फोर्ट हम आज देखते हैं उसका इनॉग्रेशन हुआ था 17 फरवरी 1589 को। जूनागढ़ फोर्ट के अंदर आपको मिलेगा यहाँ का फोर्ट, गार्डन्स, बालकनी, यहाँ का कॉम्पोजिट आर्किटेक्चरल स्टाइल जो कि बनवाया गया है अलग अलग कल्चर के स्टाइल में। हिंदू है जी, और ये रिलीजियस स्टोरीज है या माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, कॉन्फ्लिक्ट है इसके ऊपर ना? ऑफ कोर्स बिल्कुल, 4 मीटर लंबी। एक कहावत है ना, किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक, ये वही बंदूक है। इसको दो कंधे चाहिए, एक चलाने वाला एक पकड़ने वाला आगे। जूनागढ़ फोर्ट की टाइमिंग्स है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक, और यहाँ की एंट्री फीस है इंडियंस के लिए 50 रुपीज और फॉरनर्स के लिए 300 रुपीज। नंबर 37, करणी माता मंदिर। बीकानेर का यह मंदिर है माता करणी का, जो कि माता दुर्गा का रूप मानी जाती हैं। करणी माता एक हिंदू वॉरियर थी जो कि माना जाता है कि थी 14वीं सदी की। बीकानेर का करणी माता मंदिर, जो कि बीकानेर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है, करणी माता का सबसे अलग मंदिर माना जाता है, क्योंकि यह मंदिर है तकरीबन 25,000 चूहों का। बीकानेर के करणी माता मंदिर में आपको मिलेंगे तकरीबन 25,000 चूहे। करणी माता मंदिर की दीवारों, खिड़की, दरवाजों, जमीन और कोने कोने से निकलते हैं यहाँ पे रहने वाले 25,000 चूहे। जी हाँ, करणी माता मंदिर को बहुत लोग चूहे वाला मंदिर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेंगे बहुत सारे चूहे। बिल्कुल लाइव चूहे आपके पांव के ऊपर से होते हुए जाते हैं, ये देखो कितने सारे चूहे हैं यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। तो सब सारे चूहों को खाना खिलाया है, वो जो लड्डू होते हैं ना, वो लड्डू देखो कितने सारे चूहे थे, कितने चूहे पता नहीं मुझे कितना दिखा रहे हैं। अच्छा, इनके पीने के लिए पानी, खाना सब कुछ है यहाँ पे है। जाओ, अब आप जाओ दीदी अपने हाथों से और सोनी के हाथों से चढ़वा दे एक बार। सोनी चली जा, कोई बात नहीं, आ जा सोनी, प्रसाद चढ़ा मम्मी के साथ। करणी माता मंदिर की टाइमिंग है सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक, और यहाँ की कोई एंट्री फीस नहीं है। अब बात करते हैं राजस्थान की अदर प्लेसेस के बारे में जो कि इन सब जगहों से अलग हैं। नंबर 38, मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी है हनुमान जी का मंदिर, और क्योंकि हनुमान जी ने बहुत सी लीलाएं अपने बाल रूप में की थी, इसलिए कुछ स्थानों पर इन्हें बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। श्री हनुमान जी महाराज मेहंदीपुर बालाजी में बाल रूप में विराजमान है। बालाजी महाराज का यह मंदिर दो पहाड़ियों के बीच स्थित है, इसीलिए इस मंदिर को घाटा मेहंदीपुर बालाजी के नाम से भी पुकारा जाता है। श्री बालाजी महाराज के मंदिर में 3 देवता स्थापित हैं। पहले हैं श्री बालाजी महाराज, फिर भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार जी। और यह माना जाता है कि कोई भी भक्त अगर सच्चे मन से यहाँ पे दर्शन करने आता है तो श्री बालाजी महाराज जी उनको अपने दर से खाली हाथ नहीं जाने देते। यहाँ तक कि यहाँ ये भी माना जाता है कि अगर आप पर भूत प्रेत की बाधा, पागलपन, मिर्गी, लकवा, टीबी या बाघपन जैसे अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना हो, श्री बालाजी महाराज की कृपा से यहाँ के दर्शन मात्र से ही वह सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। मेहंदीपुर बालाजी की टाइमिंग्स हैं सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 11:30 बजे तक, और दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 8:30 बजे तक, और यहाँ की कोई एंट्री फीस नहीं है। नंबर 39, खाटू श्याम। खाटू श्याम मंदिर जो कि राजस्थान के सीकर जिले में पड़ता है। इस टेंपल को बिल्ड किया गया था 1027 AD को, जो कि बनवाया गया था रूप सिंह चौहान के द्वारा, उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने दबी हुई मूर्ति के बारे में सपना देखा था, और उस मूर्ति को इस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया था। और यह मूर्ति बनी हुई है रेयर स्टोन से, और पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम जी को एक योद्धा माना जाता था। और इस मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही रिच है, जिसके निर्माण में चूना मोर्टार, संगमरमर और टाइल्स का उपयोग किया गया है, और इसके गर्भगृह के शटर्स सोने की शीट से कवर्ड है, और इस मंदिर के प्रवेश द्वार और निकास के द्वार संगमरमर से भी बने हुए हैं। इस खाटू श्याम जी के मंदिर में हर साल हजारों की तादाद में भक्त आते हैं, और खासकर फाल्गुन मेले के त्योहार के दौरान यहाँ पे भीड़ सबसे ज्यादा रहती है, जो कि फरवरी और मार्च में मनाया जाता है। खाटू श्याम जी के मंदिर की टाइमिंग्स हैं सुबह 12 बजे से लेकर शाम को 12 बजे तक, और यहाँ की कोई एंट्री फीस नहीं है। नंबर 40, रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के जंक्शन पर स्थित यह जंगली जानवरों को देखने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यह नेशनल पार्क लगभग 400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र
क्षेत्र को कवर करता है और 1 नवंबर 1980 को रणथंबोर को नेशनल पार्क घोषित किया गया था। इस रणथंबोर नेशनल पार्क के एरिया में आपको ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, खुली झाड़ियाँ, झरने और झील देखने को मिलेंगे। इस पार्क में आपको कई प्रकार के जानवर भी देखने को मिलेंगे, जैसे सियार, तेंदुए, हाथी, हिरण, भालू, सांप और पक्षी। और इन सबको देखने के लिए आप यहाँ की जंगल सफारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पार्क में जाने का सबसे अच्छा समय रहता है गर्मियों के दौरान, जो अप्रैल से जून तक शुरू होता है। रणथंबोर नेशनल पार्क की टाइमिंग्स है 6:30 बजे से लेकर 10 बजे तक और 2:00 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। और यहाँ की टिकट्स है अडल्ट्स के लिए 100 रुपीज और चिल्ड्रन के लिए 30 रुपीज। नंबर 41, कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ फोर्ट जो कि राजस्थान के सबसे फेमस किलों में से एक है। यह फोर्ट एक जंगल के बीच में पड़ता है जो कि अब बदलकर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन चुका है। इस किले का नाम राजा कुंभ के नाम पे रखा गया है और इस किले का निर्माण पहाड़ी की चोटी पर दुश्मन राजाओं से हमले के बचाव के लिए बनाया गया था। 1900 मीटर की ऊंचाई वाला यह किला अरावली पहाड़ियों का एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। इस कुंभलगढ़ किले की दीवार पूरे किले से होकर गुजरती है, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार के रूप में जाना जाता है। और इस किले के मेन गेट को राम पोल या राम गेट कहा जाता है। कुंभलगढ़ की यात्रा के लिए सबसे अच्छा मौसम रहता है नवंबर से लेकर फरवरी तक। और इस कुंभलगढ़ फोर्ट की टाइमिंग्स हैं 9:00 बजे से लेकर 6:00 बजे तक। और यहाँ की एंट्री फीस है इंडियंस के लिए 10 रुपीज और फॉरेनर्स के लिए 100 रुपीज। नंबर 42, बाला फोर्ट। बाला फोर्ट 300 मीटर की ऊंचाई पर बना एक बहुत ही सुंदर फोर्ट है। कहा जाता है कि इसे इतनी ऊंचाई पर इसलिए बनाया गया था ताकि वहां से अलवर का चप्पा चप्पा देखा जा सके। इस किले के बहुत ही सुंदर वास्तुकला में शामिल है 5 बड़े और 51 छोटे टावर और सेना क्षेत्र बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि इस किले का दौरा बाबर और जहांगीर जैसे मुगल सम्राटों ने भी किया था। ऐसा कहा जाता है कि इसे 1550 एडी में हसन खान मेवाती ने बनवाया था। और यहां आने का सबसे अच्छा मौसम रहता है सर्दियों में अक्टूबर और मार्च के बीच में। और इस बाला फोर्ट की टाइमिंग है 9:00 बजे से लेकर 5:00 बजे तक। और यहां की एंट्री फीस है इंडियंस के लिए 10 रुपीज और फॉरेनर्स के लिए 100 रुपीज। नंबर 43, भंगड़ फोर्ट। 17वीं सदी का यह रहस्यमय भांगड़ किला राजस्थान राज्य में अलवर क्षेत्र में सरसिका रिजर्व और अरावली पर्वतमाला के बीच में पड़ता है। लोगों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि इस किले को काले जादू का श्राप था। और इस किले से जुड़ी एक बहुत ही फेमस स्टोरी भी है कि एक राजकुमारी के काले जादू के श्राप के कारण ही उसकी इस महल में मृत्यु हुई थी। वैसे तो भांगड़ किला अपने यूनिक आर्किटेक्चर के लिए भी जाना जाता है, जो मिडिवल इंडियन आर्किटेक्चर को दर्शाता है। इस किले में बहुत ही अच्छी तरीके से संरक्षित महल, हवेलियां और मंदिर भी है। और तो और राजा के महल के खंडर एक प्राकृतिक जलधारा से गिरी पहाड़ी पर भी स्थित है। भांगड़ किले की यात्रा करने का सबसे सही समय रहेगा ठंडे मौसम के दौरान, जो अक्टूबर से फरवरी तक चलता है। और भांगड़ किले में आने का समय है 6:00 बजे से लेकर 6:00 बजे तक। और यहां आने की कोई एंट्री फीस नहीं है। नंबर 44, नीमराना फोर्ट। नीमराना राजस्थान का एक हिस्टोरिकल शहर है जो की पड़ता है कोट भैरोन में। और यहां का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस जिसका नाम है नीमराना फोर्ट, जो की पर्यटकों द्वारा सबसे ज्यादा देखे जाने वाली एक जगह है। और इस नीमराना फोर्ट का निर्माण 1464 एडी में किया गया था और यह दिल्ली की हार के बाद अजमेर के चौहानों का निवास स्थान था। और बाद में 1970 के दौरान इसको भारत के पहले हेरिटेज होटल के रूप में बदल दिया गया था। यह नीमराना फोर्ट अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस नीमराना फोर्ट में जाने का सबसे सही समय रहेगा जुलाई से लेकर मार्च तक। और इस होटल की चेक इन टाइमिंग है 2:00 बजे। यहां की कोई एंट्री फीस नहीं है, लेकिन यहां पे जाने के लिए आपको उस होटल में रूम लेना पड़ेगा। नंबर 45, चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ फोर्ट को भारत का सबसे बड़ा फोर्ट कहा जाता है। यह विशाल फोर्ट चित्तौड़गढ़ में गंभेरी नदी के पास एक ऊंची पहाड़ी पर पड़ता है। इस फोर्ट का निर्माण 17th सेंचुरी में विभिन्न मौर्य शासकों के द्वारा करवाया गया था। और यह विशाल फोर्ट 700 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर है। और तो और 1 किलोमीटर लंबी सड़क इस चित्तौड़गढ़ किले तक जाती है। इस चित्तौड़गढ़ किले को जल किले के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें एक समय पर 84 वाटर बॉडीज हुआ करती थी, लेकिन अब उनमें से केवल 22 ही बचे हैं। और इस किले के 2 फेमस अट्रैक्शंस हैं, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। इस फोर्ट में और महल और मंदिर हैं, जिनमें से मीरा मंदिर सबसे ज्यादा फेमस है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट की टाइमिंग्स है 9:00 बजे से लेकर 5:00 बजे तक। और यहाँ की एंट्री फीस है अडल्ट्स के लिए 50 रुपीज और चिल्ड्रन के लिए 25 रुपीज। नंबर 46, माउंट आबू। माउंट आबू की खूबसूरत पहाड़ियाँ, साफ हवा, बेहतरीन वादियाँ और वहाँ का लेक आपका मन जरूर मोह लेगा। माउंट आबू एक बहुत ही बड़ा हिल स्टेशन तो नहीं है, लेकिन वहाँ घूमने के लिए आपको 2 रातें एक दिन तो चाहिए होगा। माउंट आबू का सबसे फेमस लेक और माउंट आबू की माल रोड एक ऐसी जगह है जहां पर एक फैमिली आराम से 2 दिन का हॉलिडे या फिर वीकेंड गेटअवे कर सकती है। माउंट आबू राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में अरावली रेंज में एक हिल स्टेशन है। और यह माउंटेन 22 किलोमीटर लंबा और
और 9 किलोमीटर चौड़ा है और इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और यह कई हिंदू और जैन मंदिरों का भी एक घर है। पहले माउंट आबू का प्राचीन नाम अर्बुदा था और पुराणों में इस क्षेत्र को अर्बुदारण्य मतलब कि अर्बुदा का जंगल कहा गया है और इस क्षेत्र में पहाड़ियों के बीच एक फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। समुद्र से 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। चाहे आप दिलवाड़ा मंदिर चले जाएं या सनसेट पॉइंट, माउंट आबू इसकी सुंदरता से आपको हमेशा आश्चर्यचकित करना कभी नहीं भूलेगा और यहाँ आने का सबसे अच्छा समय रहता है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक और माउंट आबू आप किसी भी समय आ सकते हैं और यहाँ आने की कोई एंट्री फीस नहीं है। नंबर 47 कोटा। कोटा जो कि राजस्थान का एक शहर है जो कि बसा हुआ है चंबल नदी पर। कोटा शहर फैला हुआ है 527 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। वैसे तो कोटा सबसे ज्यादा जाना जाता है अपनी इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के कोचिंग इंस्टीट्यूट के तौर पर, लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शंस देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो हो यहाँ की चंबल वैली, चाहे यहाँ के हो मंदिर और किले, चाहे हो यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सभी जगहें आपको एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। कोटा आप किसी भी समय आ सकते हैं और यहाँ आने की कोई एंट्री फीस नहीं है। नंबर 48 चांद बाउली। जहाँ पर बारिश का और जमीन के नीचे का पानी इकट्ठा किया जाता था ताकि वह पीने और अन्य कामों में आ सके, ऐसी ही बाउलियों में से एक बाउली है चांद बाउली। राजस्थान की 112 बाउलियों में से सबसे बड़ी बाउली है चांद बाउली, जो कि चांद स्टेपवेल के नाम से भी मशहूर है। यहाँ पर तकरीबन 3,500 सीढ़ियाँ हैं और 13 मंजिल और 3,500 सीढ़ियों की यह बाउली पूरी दुनिया में काफी प्रसिद्ध है। चांद बाउली दो नदियों के बीच बनाई गई है जिसमें से एक नदी का नाम है बाणगंगा और दूसरी नदी का नाम है छाव नदी, इसीलिए ये बावड़ी कभी भी बिना पानी के नहीं रहती। चांद बावली में आपको हिंदू देवताओं की प्राचीन मूर्तियां भी रखी मिलेंगी। चांद बावली की टाइमिंग है 7:30 से लेके शाम को 6:30 तक और यहाँ की कोई एंट्री फीस नहीं है। तो गाइस ये थी हमारी टॉप प्लेसेस टू विजिट इन राजस्थान। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं है तो सब्सक्राइब करें और अगर कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट जरूर करें। ऐसा जरूर हुआ होगा कि हमसे कोई ना कोई जगह पूरे राजस्थान में मिस जरूर हो गई होगी। अगर हमारी इस वीडियो में कोई जगह मिस हो गई है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। यदि आपको कोई सवाल है तो वो भी कमेंट्स में लिखें या फिर ज्वाइन करें हमारा लाइव सेशन जो कि होता है हर सैटरडे। इसके बाद भी कोई सवाल रह जाए तो आप हमारी अनुज विकेट की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इन सारी जगहों की गूगल मैप की लोकेशन की लिस्ट बनाकर हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो इन सारी जगहों की एग्जैक्ट लोकेशन आपको इस लिस्ट में भी उस लिंक पे क्लिक करने से गूगल मैप पे मिल जाएगी। अगर आपको लगता है वीडियो किसी के काम आई है तो आप हमारा थैंक्स बटन और ज्वाइन बटन क्लिक करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो इट वॉज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते। हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो